नमस्कार। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम तरुण गोयल जी का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तरुण गोयल जी पूछते हैं कि सर डायबिटीज के लिए है, डायबिटीज के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। पहले तो ये समझ लीजिए कि डायबिटीज होता क्या। हमको डायबिटीज हमें तभी होता है जब हमारे मणिपुरा चक्र में कोई इशू हो, मणिपुरा चक्र हमारा इम्बैलेंस हो और हमारे चार्ट में सूर्य और बृहस्पति अच्छे ना हो। तो यदि आपके चार्ट में सूर्य अच्छे नहीं है तो आपको जठर अग्नि की प्रॉब्लम रहेगी, खाना डाइजेशन ठीक से होगा नहीं है, तो उसमें भी स्ट्रेस भी फिर जनरेट हो जाता है। सूर्य ठीक नहीं हो तो आपको डायबिटीज होना तय है। बृहस्पति ग्रह ठीक नहीं होने से आपके लिवर पे इनका प्रभाव होता है, तो बृहस्पति ग्रह ठीक नहीं होंगे तो आपका लिवर में इशू आएंगे, फैटी लिवर बनेगा और उससे भी डायबिटीज होता है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, किस प्रकार से रिलीज होता है और शुगर लेवल हमारा क्यों बढ़ जाता है। तो डायबिटीज का कारण हम समझ गए कि एक तो स्ट्रेस है, चिंता है, मणिपुर चक्र आपका इम्बैलेंस है, सूर्य या बृहस्पति या दोनों में से एक खराब हो या दोनों खराब हो तो डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज को ठीक करने के लिए हमें सूर्य और बृहस्पति को ठीक करना होगा और मणिपुर चक्र को बैलेंस करना होगा। मणिपुर चक्र को बैलेंस कैसे करते हैं हमारे चैनल में वीडियो दिए हुए हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। तो डायबिटीज का उपचार क्या हो सकता है रुद्राक्ष माध्यम से, मैं कहूंगा कि आप जो है पांच मुखी रुद्राक्ष एक धारण कर लीजिए और एक पांच मुखी रुद्राक्ष का जप माला ले लीजिए। ओम ब्रूम बृहस्पति नमः का जाप कीजिए। गुरुवार के दिन में पीले वस्त्र पहनिए, पीले चीजों का सेवन कीजिए, आपको मदद मिलेगी। तारा देवी का ध्यान करें। सूर्य को ठीक करने के लिए आपको तीन मुखी और बारह मुखी दोनों धारण करने पड़ेंगे। तीन मुखी जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, अग्नि जला आपके शरीर में अग्नि प्रदीप्त होगा तो इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो फैट कम होगा, चर्बी कम होगी, डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। तीसरी बात यह है कि आप बारामुखी भी पहनेंगे क्योंकि बारामुखी आपके इलेक्ट्रिकल बॉडी में काम करता है, ऑरा में काम करता है, तो इसलिए तीन मुखी पांच मुखी और बारामुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे, मणिपुर चक्र की साधना करेंगे। सूर्य को ठीक करने के लिए आप हृदय आदित्य स्तोत्रों का पाठ करेंगे, सूर्य को डेली अर्घ्य देंगे। ये सभी प्रकार के मुझे बताया मैंने विभिन्न प्रकार के उपाय को साथ में करेंगे तो आपको डायबिटीज से मुक्त होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो डॉक्टर बताते हैं किस प्रकार के आपको व्यायाम करना चाहिए, किस प्रकार भोजन करना चाहिए, उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये एक सप्लीमेंट्री एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री एड ऑन है, ये इसको आप कर सकते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। मुझे भी फ़ायदा हुआ है और बहुत सारे मित्र जो हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है, तो मैं चीज़ को समझ सकता हूँ और मैं आपको वही सलाह देता हूँ जो कि अपने अनुभूत ज्ञान से आया हुआ है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है या अपने जो यारों दोस्त जान पहचान लोग होते हैं उनको जो मैं उपाय बताता हूँ, वो सब जो फीडबैक आती है हमारे पास में उसको लेके मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको मालूम है। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं विशाल यादव, ये लिखते हैं कि सर बीवी से बहुत झगड़ा होता है, घर में एकदम कलह लगा रहता है और जिंदगी नरक बन गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विशाल यादव जी और आपके जितने भी दोस्त दर्शक आप हैं अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि घर में यदि बीवी से झगड़ा हो रहा है तो पति को क्या करना चाहिए। ये भी कह सकते हैं कि भाई पति के कारण झगड़ा हो रहा है तो बीवियाँ जो महिलाएँ दर्शक हमारी हैं जो जुड़ी हुई हमसे उनके भी फायदे की चीज़ होगी, वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें चर्चा करेंगे कि भाई किन चीज़ों से झगड़ा हो जाते हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें घर में झगड़े चलते ही रहते हैं, आपके अथक परिश्रम करने के बावजूद भी झगड़े होते रहते हैं, क्या उपाय हमें करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तब तक लगा दीजिए मुझे नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।